नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा मार्क्स कम है, जिनका मेन कैंपस में नहीं होगा, तो वो कहां पर एडमिशन लें, यानी कि वो कौन से हैं टॉप एफिलेटेड कॉलेजेस, टॉप संगठक महाविद्यालय जहाँ पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी एडमिशन ले लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, और उसके बारे में आपको बता दूं कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं में एडमिशन लें। अगर आप रहते हैं प्रयागराज में तो आपके घर के नज़दीक जो भी कोई कॉलेज है आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अंतर नहीं है। सपोज़ करिए आप रहते हैं CMP के पास या फिर आप रहते हैं ईश्वर शरण के पास, तो आप इनमें एडमिशन ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे जो बाकी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। हम मेन कैंपस से इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट फिर भी आप अगर इनके घर के नज़दीक रहते हैं तो बिल्कुल आप ले लीजिए। आपको डिग्री मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की ही, और आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो भी कराया जाएगा इलाहाबाद की तरफ से ही, मतलब मेन कैंपस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ही। सो बात करेंगे आज के इसके बारे में। उसके बारे में आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए। आपका जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होगी, ecounseling.in पे आप सिंपली सर्च करके जो आपके एडमिशन पोर्टल उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम बच्चे जिनको मेन कैंपस नहीं मिलता वो यहाँ के बाद मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स CMP डिग्री कॉलेज। आप भी अगर आपका मार्क्स यहाँ पर नहीं होता है, आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है, आपका मार्क्स यहाँ पर नहीं आता है, तो आप भी अपने नेक्स्ट प्रेफरेंस जो फर्स्ट प्रेफरेंस है मेन कैंपस के बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए वो आप रख सकते हैं CMP डिग्री कॉलेज को, और सेकंड में आप रख सकते हैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज को, और थर्ड में आप रख सकते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को। सो ये आपकी तीन प्रेफरेंसेस हो गई। अगर आपका मेन कैंपस नहीं होता तो आप पहले CMP डिग्री कॉलेज, फिर उसके बाद ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, उसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। देखिए, इन तीनों में कोई बहुत गैप नहीं है, बट फिर भी इनकी कट ऑफ में अंतर आता है। अगर आप देखें तो जो कट ऑफ CMP की है वो ईश्वर शरण से थोड़ा सा हाई रहती है, यानी कि जो ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं वो CMP जाते हैं पहले, और उसके बाद जो बच्चे हैं उसके बाद जो कट ऑफ रहती है वो रहती है ISDC की, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की। सो इसके बाद आप जा सकते हैं ISDC में, उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में। और बाकी जो कॉलेजेस हैं लाइक SPM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको आप लास्ट में कंसिडर कर सकते हैं इनके काफ़ी बाद। और बाकी जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए सेपरेट कॉलेजेस हैं। अगर आपका मेन कैंपस में नहीं होता तो आप श्योरली उन कॉलेजेस में मूव कर सकती हैं, लाइक SS खन्ना, हमीदिया गर्ल्स सिटी कॉलेज, जगत तारण महिला महाविद्यालय, जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं मेन कैंपस के बाद। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर एडमिशन लें, आपके मन में एक होना चाहिए रियलाइजेशन कि आप पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि अगर आप में ये रियलाइजेशन नहीं होगा तो आप इम्प्रूव भी नहीं करेंगे। देखिए, मेन कैंपस में बहुत सारी सीट्स हैं, और अगर आपका नहीं हो रहा है यानी कि कहीं कहीं आप बहुत पीछे हैं। पहली बात तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत पीछे है, और आपका उसके मेन कैंपस में नहीं हो रहा यानी कि आप और ज़्यादा पीछे हैं। सो बिल्कुल आप अब समय है कि आप मेहनत करिए। और मैं आपको बताऊँ, जब आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे लाइक CMP डिग्री कॉलेज, ISDC या फिर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, जगत तारा महिला महाविद्यालय, SS खन्ना, SPM, देखिए अगर आप एडमिशन लेंगे इन कॉलेजेस में तो आपका बहुत सारा रहेगा खाली टाइम, तो अभी से तैयार हो जाइए कि आपको बहुत सारी मेहनत खुद करनी है। आप कोई कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, यही समय होता है क्योंकि आपके पास बहुत खाली टाइम रहेगा। अगर आप BA कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपके पास ये 3 साल हैं, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं, आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, देखो जो आपके अदर गोल्स हैं। अगर हम ये बात करें कि इनकी कट ऑफ कब आएंगी, तो आप ये मान लीजिए कि जब मेन कैंपस की कट ऑफ आना शुरू हो जाएंगी, जब मेन कैंपस की नियर अबाउट 3rd और 4th कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद ही कहीं चांसेस हैं कि इन कॉलेज से कट ऑफ आएगी। और मैं बताऊं कि जो पहले कट ऑफ आएगी वो आएगी CMP की डिग्री कॉलेज की ही। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि अगर आपका मेन कैंपस में नहीं होता तो आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे CMP डिग्री कॉलेज को, उसके बाद ISDC को, उसके बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज को। आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेन कैंपस नहीं होता और उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ पर एडमिशन लें। सो आई रिकमेंड यू टू टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। अगर आप यहाँ लेते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी फैसिलिटीज तो नहीं मिलेंगी मेन कैंपस के कंपैरिजन में, बट फिर भी जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं जिनको मेन कैंपस नहीं मिलता वो इसके बाद इन्हीं कॉलेजेस में मूव करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक बोनस टिप। देखिए, अगर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नहीं होता तो आप बिल्कुल बेझिझक जाके एडमिशन ले सकते हैं
इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में इसी सी में। देखिए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा उन सब बच्चों को जिन्होंने सीयूटी यूजी दिया है। देखिए अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि आपकी पढ़ाई जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के कंपेरिजन में होगी। आप बाकी जैसे कॉलेजेस संगठक महाविद्यालय उनसे बहुत आगे होंगे। इसी सी जो है ये आपको तराशता है, आपको निखारता है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी पढ़ाई होगी वो इलाहाबाद मेन कैंपस के कंपेरिजन में भी वहाँ से भी अच्छी हो सकती है, ऐसा इमिग्रेशन कॉलेज दावा करता है और वहाँ के बच्चे ऐसा बताते भी हैं और इसकी बहुत रेपुटेशन है। यहाँ मैं रहता हूँ प्रयागराज में, यहाँ इसकी बहुत रेपुटेशन है। और देखिए इमिग्रेशन कॉलेज अपने जो एग्जाम्स है वो खुद ही कंडक्ट करता है और यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, यानी कि आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। और बाकी अगर हम बात करें इलाहाबाद मेन कैंपस की तो यहाँ पर अगर आप बीए बीएससी वगैरह लेते हैं एडमिशन तो आपका होता है साल में 1 एग्जाम, मतलब एनुअल सिस्टम है और वहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है। तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और आपका मेन कैंपस में नहीं हो रहा है तो आप इन कॉलेज में पढ़ने का अच्छा है कि आप एडमिशन लें इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। आई रिकमेंड यू ऑल टू गो देयर एंड enjoy studies. Thank you for watching. So friends, ऐसी important videos के लिए जो आपकी help करें इसी के लिए बना है channel. आपको अच्छा लगा तो आप subscribe करिएगा, अगर आपके और दोस्त हैं उनको भी share कर सकते हैं जिससे उनकी भी help हो जाएगी। Thank you for watching. See you in the next video.